नहीं, मैंने ट्वीट नहीं किया था, मैं थोड़ा वजाहतन वो बता दूं क्योंकि वो कंट्रोवर्सी हुई है। फारूक साहब ने एक बयान दिया है कि देखिए नमाज कायम करिए, कुरान पढ़िए। फारूक साहब विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम एक ट्रॉफी मुस्लिम है, टोकन मुस्लिम है। उनका मुस्लिम होना एक कल्चरल आइडेंटिटी है। जब वो रास आती है तो वो पक्के मुसलमान बनते हैं, जब उनको लगता है कि ये थोड़ा प्रॉब्लम है तब वो मुस्लिम लाइट बनते हैं। वो आते हैं ना आईफोन में लाइट, वो आता है ना एक माइक्रोसॉफ्ट लाइट, माइक्रोसॉफ्ट फुल प्रोग्राम, वो तब बनते हैं, उनका इस्लाम लाइट बनता है। मैंने सही में एक पिक्चर दिखाई क्योंकि कल कुछ बयान हुए थे जिस पे रिलीजियस सेंटिमेंट्स कुछ हर्ट हुए थे बुखारी साहब के। मेरे दिल में भी एक आई वॉज वेरी हर्ट, मैंने उनसे बात की और उनने माफ़ी भी मांगी और कहा आई वॉज टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, मुझे मिसअंडरस्टैंड किया गया था। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा कि अगर किसी को भी हक है रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होने पे प्रोटेस्ट करने का, नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं है। क्योंकि अगर हम उसी इस्लाम को देखें, आप और मैं गुनहगार हो सकते हैं, मैं बहुत गुनहगार मुसलमान हूँ। मेरी एक ये बड़ी नेशनल कॉन्फ्रेंस मुझे इन बातों का जवाब यही देती है कि जब मैं कुछ तनकीद करता हूँ मेरे कॉलेज की 25 साल की पिक्चर्स को फिर से ले आते हैं, उसके अलावा वो मुझे कुछ नहीं बोल सकते। हम सब गुनहगार मुसलमान हो सकते हैं लेकिन टोकन मुसलमान नहीं है। आपके और मेरे घर में गुंबद खिजरा और मस्जिद नबवी का जो शक्ल है वो किसी बुत के पैरों के नीचे नहीं रखी जाएगी, किसी मुसलमान घर में नहीं रखी जाएगी। मेरा एक प्राउड हिंदुस्तानी होना इस पे डिफाइंड नहीं है कि मैं इस्लाम मुस्लिम लाइट हूँ। मेरी फर्स्ट आइडेंटिटी है कि मैं मुसलमान हूँ। तो डॉक्टर साहब, अगर हम टेक्निकल सारे शरण शरिया को पढ़ें, अपने अहदीस को पढ़ें, स्क्रिप्चर्स को पढ़ें, कुरान पाक में जो लिखा है उसको पढ़ें, फिर डॉक्टर साहब तो मुर्तदे इस्लाम कब के हो गए हैं? उनको तो अपने बच्चों के साथ फिर तरके मवालात पूरे करने थे, अगर नहीं करें तो वो तो मुर्तदे इस्लाम हो गए, इज बिकम एन अपोस्टेट टू रिलीजन। अब वो उनका निजी मसला है, अगर उनको निजी मसला वो रखना है फिर वो इस्लाम पे दर्ज, अगर वो इस्लाम पे दर्ज देंगे तो मैं भी तो सवाल पूछूंगा ना, मैं भी ये सवाल पूछूंगा कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वी आर ऑल प्राउड। मुझे खासकर अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी है दैट अ वेरी रेयर ब्लेसिंग ऑन मी इज कि मैं श्रीनगर में अहले शिया का भी लीडर हूँ, अहले सुन्नी का भी उतना ही हूँ, और मैं बड़े फ़ख्र से बोलता हूँ कि मैं हुसैनी हूँ। मुहर्रम का एहतमाम जितना मैं करता हूँ और हमेशा से कर रहा हूँ और कोई नहीं करता, और बड़े दिल से करता हूँ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी है उसकी वजह से इस्लाम की आबियारी हुई है। आप और मैं आज शायद मुसलमान ही नहीं होते अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी नहीं दी होती। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो अलमबरदार हैं, जो पैरोकार हैं, जो अहले बैयत के चाहने वाले हैं, उनकी अलमबरदारी से ही तो आज इस्लाम फतेह पे है, इस्लाम बुलंदी पे है, सरबुलंदी पे है। तो जो कहा गया मुझे भी उससे बहुत चोट हुई, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस कब से ये इस्लाम के पैरोकार कब से बन गए? ये टोकन मुसलमान हैं, इनके घर में मस्जिद नबवी और गुंबद खिजरा की इज्जत नहीं है, और मैंने बिल्कुल सही कहा ये गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और मैं ये कोई घर की बात नहीं कह रहा हूँ, तालिबान की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं ये दीन इस्लाम की बात कर रहा हूँ। आप अगर ऐसी चीज़ करें, आपके घर में होगा ये? बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे कौन करेगा अपने घर में? गुंबद खिजरा को कौन बुत के पैरों के नीचे रखेगा? हमारे घर में तो है ही नहीं वो, है ना। तो ये जो इन्हें एक परसेप्शन मेरे भाई बनाया है, ये दिल्ली में जाके बोलते हैं देखिए जी हम पक्के हैं, हम उतने मुसलमान नहीं हैं, थोड़े से हैं, वो थोड़ा इस्लाम जो इस्लाम लाइट ये फॉलो करते हैं, वो इनको मुबारक हो, इनको उसको आखिरत पे ये कैसे उसकी वजाहत करेंगे। लेकिन मेरा फिर से डॉक्टर साहब को ये कहना है कि अब दीनी मसाइल में ये जो आप खुतबात देते हैं, आपने आप खुद को खतीब समझा है, अपोजिशन में आप कहते हैं नमाज कायम करो, अपोजिशन में कहते हैं त्योंगुल चिगारम खबर जहनमुख त्योंगुल का परविश डॉक्टर साहब ने चुकुता गारम छासन डॉक्टर साहब गैस नहीं मन मसलन पे जंग त्रावनी क्या। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।